आपको क्या लगता है 22 में 22 वादे जो किए हैं वो पूरे होंगे समाजवादी पार्टी की ओर से? पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे, 100% 100%। उन्होंने पहले भी किए थे और आज भी करेंगे और आगे करते भी रहेंगे। ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जो रूप में इसमें द्वारा बनने जा रहे हैं वो हम लोगों की चाहती एक सरकार बनने जा रही है और बन के रहेगी। नहीं, 5 साल में पूरे हो पाएंगे वादे, अभी तुरंत नहीं हो पाएंगे क्योंकि योगी जी ने पूरा प्रदेश खाली कर दिया है। खाली कर दिया मतलब उससे क्या तात्पर्य है आपका? तात्पर्य यह है जब जो पैसा था वो सब लुटा दिया है, रखा वादे कहाँ पूरे, फिर भी, और फिर मोदी जब हटेगा जब दिल्ली में, तब वादे 5 साल में हट रहा, अभी आगे चुनाव होगा, मोदी भी हटेगा, भागेंगे, ये दोनों भागेंगे, इनका पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ चले गए, ये भागेंगे। आप तो लोग घूमते रहते हैं, उन्होंने खुद कहा है मैं बाबा हूँ, मैं तो फकीर हूँ, झोड़ा लेके चल पड़ूंगा, तो ये मोदी जी पहले भी कहते, यही उनके साथ होगा अभी। उससे उनका कहना ये भी था कि मैं फकीर हूँ, झोला लेके चल पड़ूंगा, लेकिन मैं जनता के लिए ही काम करूंगा क्योंकि मुझे अपने झोले में किसी और के लिए कुछ रखना नहीं है। तो साकी जी आप बताइए, इस बात से आप किस हद तक सहमत हैं? अब उन्होंने ये कहा था कि झोले में नहीं रखना, हम लोगों को बता दिया, अगर आप लोग खुद ही नज़र डालिए उनके झोले में क्या क्या जा रहा है, नजर आ जाएगा, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इनके हिसाब से अभी भाजपा सरकार बदली जाएगी और समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। फिलहाल आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या समाजवादी सरकार आनी चाहिए इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्या भाजपा को जाना चाहिए, क्या दोबारा से यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए या जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं वो भाजपा पूरे करेगी या समाजवादी पूरे करेगी। नमस्कार।